Yeah, you shot me through the heart, casting dice and roulette. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे. और यार खुश ही रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है. स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर. और टैलेंट देखो यार, मेरा एक ही दिन में तीसरी वीडियो आ रही है और तीसरी बार मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं. तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने जिम, वहाँ से मुझे कॉल आया. वैसे मुझे पता रहता है हर बार वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट करते हैं और उन्होंने बोला हुआ था कि 7 बजे भैया आ जाना. तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने जिम और देखते हैं क्या क्या सरप्राइज़ है, क्या क्या उन्होंने सरप्राइज़ किया. मैं 2 जिम जाऊँगा और दोनों जिमों में जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है. और सुबह से उन्होंने कैमरे भी बंद किए हैं और मेरे को मना कर दिया था बिल्कुल, भैया आज कैमरे मत देखना. काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे सरप्राइजेज मिलते हैं. बाकी जाकर देखते हैं आज क्या सरप्राइज़ है. लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन अब सब ठीक है. तो मेरा बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करते हैं और मेरे साथ आप भी सेलिब्रेट करना. अगर आप मेरे को गिफ्ट देना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा गिफ्ट है, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और बोलिए उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए. जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी फैमिली बड़ी होगी और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज और अच्छा ट्रैवल करूँगा. थैंक यू. ये मम्मी ने दिया स्पेशल आपके लिए बना के. थैंक यू. है क्या इसमें खीर? मम्मी को बोल देना थैंक यू मेरी तरफ से. अब मैं जा रहा हूँ दूसरे जिम और वहाँ देखता हूँ क्या अरेंजमेंट किया हुआ है. यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पूरा डेकोरेट किया हुआ था बैलून से जो कि उन्होंने खुद कराया था. अब दूसरे जिम जाकर देखता हूँ वहाँ क्या किया हुआ है. और यार ये छोटी छोटी खुशियाँ मुझे बहुत खुशी देती है. और दिल से थैंक्स नदीम को, रवि को और जिन जिन्होंने उनका साथ दिया, यार काफ़ी अच्छा लगा. अब दूसरे जिम जाके देखते हैं, काफ़ी एक्साइटेड हूँ. और जो मेरा ये खाना है ना 6 बजे के बाद, आज ये टूट गया, लेकिन यार उनका प्यार देख के मेरा मन नहीं किया कि मैं डाइटिंग करूँ. बिल्कुल रेगुलर 1 तारीख से आज 27 तारीख हो गई है, 27 डेज मैंने लगातार डाइटिंग की है. 6 बजे के बाद एक दिन भी नहीं खाया है. आज फर्स्ट टाइम मैंने केक खाया है हल्का सा. इनके प्यार के आगे मेरी डाइटिंग बहुत छोटी चीज है और एक दिन नहीं करेंगे तो कोई नहीं, तो इसलिए हल्का सा केक खा लिया. और अभी और जाऊंगा तो और बहुत कुछ खाऊंगा. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे लकी भैया. और सबसे पहले आपको बहुत ही बेस्ट आपकी वीडियोस के लिए, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते जाओ और आपके ऐसे व्यूअर्स बढ़ते चले जाएंगे. सबसे पहले जब मैंने इनकी वीडियो देखी थी तो मुझे नहीं पता था कि इनका सफ़र इतनी आगे तक जा पाएगा, बट डे बाई डे लकी भैया की क्वालिटी वीडियो की इंक्रीज़ होती गई और इनका जो कंटेंट है वो हम सबको पसंद आने लगा. तो आप ऐसे ही वीडियोज़ बनाओ, ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो करो जिससे हम सब लोग देखें और सब इन्फ्लुएंस हो आपको देख के. और ऐसे ही आप हमें अच्छी अच्छी पार्टी देते रहो और ऐसे ही हम आपका बर्थडे मनाते रहें क्योंकि एक ही फैसला लकी फैसला. हैप्पी बर्थडे भैया. मैं चाहता हूँ 4-5 और चैनल खोल के दे. पूरी एक स्टूडियो बने, अच्छा सा बनी रहे वैसे तो, लेकिन और अच्छा बने.
बस ब्लेसिंग रहेगी, सब बनेगा। टीम बनाओ, हमें भी ऐड करो, हम भी मौका दो वीडियो एडिट करने का। बर्थडे के दिन को स्पेशल डे बोला जाता है क्योंकि ये स्पेशल होता है, लेकिन मेरे लिए यार ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल, खासकर उन बच्चों से मिलकर मेरा डे बहुत स्पेशल हो गया। और यार मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मेरे से प्यार करने वाले, मेरे चाहने वाले इतने हैं कि मुझे जो सरप्राइज मिलते हैं और जो खुशियाँ मिलती हैं काफी अच्छा लगता है। अभी अभी घर आया तो घर आकर भी मुझे मिला सरप्राइज, और आपको भी दिखाता हूँ। सब नीचे हैं, अभी ऊपर आ रहे हैं केक कट कराने के लिए। आपको दिखा देता हूँ किस तरह डेकोरेट किया हुआ है पूरा, किस तरह से अच्छा सा सजाया हुआ है। काफी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। चलिए अब केक कट करेंगे। देखो हमारा केक कटवाने के लिए कौन आ गया, बॉस की। केक खाना, केक केक। Come on.